धौलपुर जिले में कोरोना महामारी से जूझ रहे गरीब मजदूर और अभावग्रस्त परिवारों की मदद के लिए एक ट्रांसजेंडर फरिश्ता बनकर सामने आया है। ट्रांसजेंडर द्वारा शहर के रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर 250 से अधिक गरीब परिवारों को डाई राशन किट वितरित किए। ट्रांसजेंडर संस्था के माध्यम से कोरोना महामारी काल के दौरान 80,000 से अधिक लोगों को मदद कर चुका। ट्रांसजेंडर देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी को भारत सरकार सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित कर चुकी। ट्रांसजेंडर समाज सेवी देविका कोरोना महामारी की पहली लहर से ही उसने समाज सेवा का संकल्प लिया था। उनके द्वारा समानता का सम्मान सेवा के माध्यम से समाज के विधवा विकलांग सेक्स वर्कर और अभावग्रस्त परिवारों के लिए सेवा का काम किया जाता है। देविका ने बताया कि कोरोना महामारी की पहली लहर से ही सामाजिक सेवा का संकल्प लिया था। महामारी के दौर में सबसे अधिक असर गरीब मजदूर और अभावग्रस्त परिवारों पर पड़ा था। ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने अन्य सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया। राजस्थान में उन्होंने 80,000 से अधिक लोगों को ड्राई राशन किट दिए। राशन किट में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो तेल, 2 किलो दाल, मसाले, साबुन, महिलाओं को विटामिन की गोलियां, सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। ट्रांसजेंडर देविका ने बताया कि समाज के लोग उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनका हौसला हिम्मत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 14 वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया गया था, लेकिन हिम्मत और साहस को रखकर समाज सेवा का बेड़ा उठाया। भारत सरकार द्वारा उनको ट्रांसजेंडर एक्टिविटी का भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उन्होंने काम किया है। अफ्रीका और अन्य देशों में जाकर भारत देश का प्रतिनिधित्व किया। गुरुवार को ट्रांसजेंडर द्वारा रेलवे स्टेशन मार्ग पर 250 से अधिक गरीब परिवारों को राशन किट वितरित किए। देविका ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि समाज के भामाशाह और पूंजीपति लोग गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। धौलपुर में मैंने जो देखा है, हमारे बंगलामुखी जो केंद्र समाज से हैं, एक दिली खुशी हुई कि हमारे समाज से भी तो क्वारंटाइन कोरोना वक्त में इतना सब कुछ दे रहे हैं, सबकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया, मुझे बेहद खुशी हुई है। और मैं चाहती हूँ इस तरह के लोग उभर कर सामने आए और समाज के नाते, एक पुण्य के नाते इन लोगों की सेवा करें, हमारे जो भी गरीब भाई बंधु हैं। और इन्होंने मुझे 2-3 बार बुलाया, मैं टाइम नहीं दे सका, लेकिन आज जब मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का ये लोग भी काम कर सकते हैं। ये ईश्वर की बनाई प्रक्रिया है। ये अपने आपको कभी भी किसी चीज़ से तुलना ना करें, कभी भी किसी चीज़ से कम ना समझें, और मेरे लायक भी जो भी सहायता की इनको आवश्यकता पड़ेगी, मैं हमेशा तैयार हूँ। नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहती हूँ। मेरा नाम देवेंद्र एस मंगलामुखी देविका है और मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला हूँ जिसे भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं एक ट्रांसजेंडर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने सालों में हम लोगों ने लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है। मैं 2 लोगों के लिए काम करती हूँ, जेंडर माइनॉरिटी जिसमें हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय, सेक्स वर्कर्स महिलाएं जो बेबिया समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, और उसके साथ कुछ विधवाएं महिलाएं और विकलांग जिनको समाज ने फेंक दिया है, जिनका कोई नहीं है। जैसे मुझे 14 साल से घर में निकाला गया, आज मैं एक माध्यम हूँ। उसी तरीके से उनको मतलब उनको कोशिश कर रही हूँ कि मैं पेट भर के खाना दे सकूँ, क्योंकि अगर हम कोरोना से नहीं मरे, बच भी गए, अगर हम कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाए। तो मेरा ये सबसे बड़ा माध्यम है कि ये आप ये मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन एक सेवा है जो मैं अपने लोगों की करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं एक माध्यम हूँ। लगातार कितने दिनों से ये सेवा की जा रही है? ये लास्ट 1.5 साल पैंडमिक के पहले दिन से मैंने शुरू किया है। सरकार का इस विशेष सहयोग मेरे साथ तो नहीं है, पर हाँ सरकार कहीं ना कहीं सहयोग तो करती है मुझे। ये कुछ संस्थाएं हैं, जैसे मेरी खुद की संस्था है समानता का सम्मान, उसके थ्रू मैं ये करती हूँ। और मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ। अभी तक हम लोग पूरे राजस्थान में 80,000 राशन किट्स बांट चुके हैं। और ये कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेवा फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, और उसमें मेरा मदद कर रहे हैं किन्नीर संस्था, नमो महाध्यान, और जो हमारी एक और संस्था है फूल वर्षा फाउंडेशन। गरिमा जी का नाम मैं लेना चाहूंगी, स्वाति जी और गरिमा जी का मुझे विशेष सपोर्ट है, मनीष जैन साहब का सपोर्ट है। मैं ये